राम राम जी, जय जोहार। सुबह के 9:30 बजे हैं और आज ऐसा है कि भाई राजकुमारी जी जा रही है अपने गांव में। ये नारियल बतासे में लेके आया हूँ, तो वो जा रही है, थोड़ी देर में पहुँचाने जाऊँगा। साहिब ले, अरे वाह, साड़ी फेर के, रे 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 रे, आज तो भाई डांगू डांगी जा रही है, डांगू साड़ी फेर के। अंकिता मैं डांगी जा रही है, डांगू साड़ी फेर, देखा तिथि है डांग। तो आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि भाई इनको साड़ी वाड़ी पहनाओ, तो साड़ी भी पहना ली भाई आज। आज मतलब आज बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश पूरी हो गई साड़ी में देखने की, और ये बहुत ज्यादा गंदी लग रही है, बहुत ज्यादा। बड़ा सही बताइए, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही, झूठ बोल रही है बाबड़ी, झूठ बोला है। ले आप तैयार हो जाए, तू पहुंचे कब आजू? ना पे कटवार लाएगी जैसे ले जा रही है, पता। अरे राम, राधिका खा जा रही है। राम राम कह दीजिए सब करके इनसे, है ना? ये गरी अंकी दवाई। क्यों नहीं कह रहा? पहुंच चुके भाई करौली के बस स्टैंड पे। मैं तो पहली बार आया हूँ, इसमें कोई काम नहीं पड़ा आज तक तो आए तो। ये है भाई करौली पथ परिगम बस स्टैंड आगरा। तो यहाँ आके हमें पता चला है कि भाई आज कोई भी बस करौली से धौलपुर नहीं जाएगी, और ये पता चलने के बाद इसके रिएक्शन देखो चेहरे के, घर वालों से लड़ रही है। कोई नहीं, अब मैं ही जाऊँगा बाइक से पहुँचाने के लिए। तो भैया शाम को बज गए 5:30, और ये मान लो कि हमें क्या करौली से बस नहीं मिली थी इनकी साइड से, तो मुझे ही बाइक से इनको पहुंचाने आने पड़ा यहाँ पे। और मैं सुबह से नहाया धोया भी नहीं हूँ, मैंने मुंह भी नहीं धोया, इसलिए मैं घर नहीं जा सकता। तो इनके भाई को बुला लिया, बस थोड़ी देर में वो आने वाला यहीं पे ही। ठीक है, मैं जाऊँ छोड़ रहा यहीं तो हिलना, मैं तो जा रहा हूँ तो छोड़ छाड़ के, आधी घंटा पहुँच जाएगी। तो अभी हम एकदम बीहड़ में खड़े हुए हैं, और एकदम बिहार क्षेत्र है, मतलब एकदम से बिहार क्षेत्र है, मतलब चौरे तरफ कोई रोड वोड के आस पास कोई घर नहीं है, करीबन 6-7 किलोमीटर तक तो नहीं है, ज़्यादा दूर तक ज़्यादा दूर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ बेर बेर स्टार्ट हो गए हैं, मन तो कर रहा है कि रुकने का, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब घर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आज तो सारा दिन इसी में निकल गया। पहले हम सोच रहे थे करौली से बस मिल जाएगी, लेकिन वहाँ से कोई बस वस तो मिली नहीं, या बावड़ी के चक्कर में आज मेरा पूरा दिन खराब होगा। और का और क्या, मेरे काम है आधी घंटा हो ना, इले सुबह की चली थी वहां से। त्योहार का टाइम है, त्योहार के टाइम में क्या है कि यार बस वगैरह पता नहीं कैसे बंद कर दी कैसे नहीं। और एक दूसरी बात और ये कि ये एरिया वैसा है थोड़ा वीरान टाइप का, तो यहाँ तो बस बस वैसे नहीं चलती इतनी कोई खास। चलो इनको छोड़ के जाते हैं घर, फिर घर का ब्लॉग करता हूँ आज मैं कंप्लीट, के गोवर्धन पूजा वगैरह भी करनी घर पे जाके। तो ये रही हो राजकुमारी का छोटा भाई। ठीक है तो पहुँच, अब पहुँचा को भैया। अरे सब भैया ही ऐसे, तू सबन ने बुला ले, सब घर के नहीं बुला ले। ये भाई धौलपुर रोड यहाँ से सीधा, और बाकी अपना करौली वापस पीछे रह गया यहाँ से। ठीक है 10 मिनट होगी, मैं जा रहा हूँ। तो अभी मैं निकल लिया हूँ यहाँ से, और ऐसा है कि मैं जहाँ से निकला हूँ वो सरमुत्रा क्षेत्र है, और यहाँ से करौली पहुँचने में मुझे लास्ट कम से कम 1 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी बाइक की स्पीड लास्टली 30 से 40 पे चलते, क्योंकि ज़्यादा चलाना ठीक नहीं है, क्योंकि हाईवे रोड है। और वैसे मैं दिखाता हूँ इस जगह के बारे में आपको कुछ खास चीज़ें, जैसे कि एकदम शांत और वीरान टाइप की जगह है जहाँ पर अब जाके हाईवे बना है, नहीं तो 6 से 7 साल पहले लोग यहाँ आने से भी डरते थे मान लो,
तो एकदम वीरान टाइप जगह है ये क्षेत्र, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, इसलिए इसको डांग क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उबड़ खाबड़ है, समतल ज़मीन नहीं है, कहीं पे उबड़ कहीं पे खाबड़, मतलब कि पहाड़ों का एरिया है, पहाड़ों के अलावा बहुत सारे पत्थर वगैरह है, और यहाँ का नेचुरल वातावरण तो देखते ही बनता है, जो आप सामने देख रहे हो ये अब बने रास्ते, नहीं तो पहले यहाँ भीड़ थी होती। इस जगह की एक और खासियत ये है भाई, क्योंकि यहाँ पे मान लो कि रोड के किनारे पे ही इतने ज़्यादा बेर वगैरह मिल जाएंगे आपको तोड़ने के लिए कि आप यहीं से बहुत सारे बेर तोड़ सकते हैं। तो आप जहाँ जाओगे वहाँ आपको इतने सारे बेर एक साथ दिख जाएंगे, देखो ये एकदम लाल हो रही है झुट्टियाँ, तो हर जगह पे सेम बेर मिल जाएंगे, मान लो कि इतने सारे बेर वगैरह हैं यहाँ पे 80 से ज़्यादा, तो तोड़ के खा लेते हैं 2-4-5 घर पहुँचने से पहले पहले यार, नहीं तो पता नहीं दोबारा आना होगा नहीं होगा इस जगह पे, क्योंकि बेर क्या बड़ी जल्दी लोग तोड़वा ले जाते हैं, और ये तो वैसे रोड के साइड में है, तो 2-4-5 बेर खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो करीब 15 मिनट से ज़्यादा हो गए मुझे बेर खाते खाते, अरे मास्क कड़स गया यार, नहीं 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 खस, तो 15 मिनट से ज़्यादा हो गए अब तो, ये मान लो मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, क्योंकि बेर जो है ना इस जगह के सबसे ज़्यादा टेस्टी बेर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ मतलब ऐसा ही माहौल है ना, हमारी तरफ जो बेर होते हैं वो इतने टेस्टी नहीं हो पाते, वो थोड़े खारे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ के बेरों का टेस्ट ही बहुत ज़्यादा मीठा होता है। मन तो नहीं कर रहा खैर जाने का, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा हो गया ना कि मैं जल्दी वहाँ से ही भागते हुए आया हूँ, और अब जल्दी घर भी पहुँचना है, गोवर्धन पूजा वगैरह करनी है, इसलिए तो पहुँचते फटाक से घर पे। ये खड़ी अपनी धन्नो। बरसात के मौसम के बाद हरियाली हालांकि अभी भी कायम है, और ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है इस सब के बाद, खासकर बरसात के दिनों में यहाँ इतना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होता है ना, बेहद ज़्यादा, जिसकी हल्की सी झलक अभी आप देख सकते हो। और ये NH अभी बना है खैर यहाँ नेशनल हाईवे, नहीं तो पहले यहाँ एकदम वीरान मामला था, कुछ था ही नहीं, मतलब एक तरीके से तब तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो अभी मेरी बाइक देखो, बाइक की स्पीड दिखा रहा हूँ आपको, वही 40 पे चल रही है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं बाइक चलाता ही नहीं, क्योंकि मुझे बाइक पे बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ अच्छा फील नहीं होता, मतलब कहने मतलब वही कि बोल सकते हो सिक्योर फील नहीं होता। तो देखते हैं थोड़ी सी आगे और पहुँचते हैं, बहुत जल्दी पहुँच रहा हूँ मैं घर। शाम को 6 बज गए और मुझे अचानक से हॉस्पिटल आना पड़ा, क्योंकि रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, तो उसके रिगार्डिंग मुझे यहाँ आना पड़ा। एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी यार हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं क्या किसी को लेकर आया हूँ, किसी बंदे का मेरे जस्ट सामने एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे क्या कोई भी उसको एम्बुलेंस वगैरह नहीं बुला रहा था, लोग वगैरह रो रहे थे, काफ़ी सारे खड़े होकर देख रहे थे, खैर मतलब ये दिल धड़काने वाली जगह नहीं थी यार। घर पहुँचता हूँ फिर बताता हूँ आपको इसके बारे में, क्योंकि यहाँ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, दिल अभी भी घबरा रहा है पहुँचते ही। रास्ते में एक कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के बाद ऐसा लगेगा, क्योंकि छाती रख रख कर रही है अभी भी बहुत ज़्यादा, और सीने में ऐसा लग रहा है यार पता नहीं क्या बहुत बड़ी घटना जैसे मेरे साथ ही हुई हो। हालांकि ये एक था कि अच्छा नहीं लग रहा यार, क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा है दिमाग में, अभी भी वो घटना चल रही है, क्योंकि एक्सीडेंट मेरे जस्ट सामने ही हुआ था बिल्कुल। अभी बैठा हुआ मैं करौली के ये चौराहे पे है, ये करौली डिस्ट्रिक्ट का चौराहा है, धौलपुर साइड जहाँ पे चलने लग गए भयंकर वाली, हार्ट बीट घूम रही है मान लो ना आंखों से, ये मान लो कि आंसू आए जा रहे हैं भयंकर वाले। तो ये मेरी साल की आखिरी कोल्ड ड्रिंक थी, ये ख़त्म हो चुकी है और पहुँचते हैं घर पे, अब जाके रिलैक्स हुआ। तो अब पहुँचे घर पे, शाम को 6 बज गए और रास्ता में एक्सीडेंट होगा सब खड़े, कोई एम्बुलेंस नहीं बुला। तो वही घर पहुंच गया, अब जस्ट मोबाइल का चार्ज लगा रहा था, क्योंकि बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद शेयर करूंगा कुछ आज दिल का हाल, क्योंकि मामला थोड़ा गंभीर है, थोड़ा सा मुंह धो लेता हूं, उसके बाद बताता हूं आपको कि हुआ क्या था एक्चुअली। ये चार्ज में लगा दिया, आईफोन की बैटरी थोड़ी कम चलती है, आज दिक्कत वाली चीज़ है, लट्टू जोड़ाऊँ। तो रात को 8:30 बज चुके हैं और गोवर्धन पूजा की सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब कुछ विशेष स्पेशल चीज़ मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ हमारी पूजा से पहले, और पूजा के बाद तो दिखाऊंगा ही है। तो पूजा में पूछते हैं भाई ये रस्सी है, ये रही है, रही जिससे छाछ करते थे, अब तो खैर मशीन आ गई, तो ये कुछ अच्छा रह गई नेथी, और ये खुराना लिया आप पूजे को पूरा जुगाड़, घंटी में कपड़ा रख के। तो ये छाछ करने की पहले चीती जो लोग नहीं जानते, तो छाछ इसी से होती थी, आज के लोगों ने तो खा देखी है खैरी चीज, रही, ये रही है, पहले इसको सेंकड़ा वेंकड़ा लगा रहे थे, तो रही और सेंकड़ा की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, रही और सेंकड़ा वो चीज़ थी जिसको घुमा देते थे, छाछ कर देते पुराने टाइम पे। तो ये चीज़ आपको देख लो, वैसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने चीज़ देखी होगी,
पुराने तो ऑलमोस्ट सारे बंदे जानते होंगे, कमेंट करके बताओ अगर नहीं जानते हो, जानते हो सारा कुछ। इसके अलावा हाँ अच्छा रुक जा रुक जा, देख देख ऐसा फेरे हैं यो है हाँ भाई देखो मदर इंडिया दिखा रही है, फेर के ऐसे घुमा रहे थे इसको लगा के। इसके अलावा आज हमारे यहाँ भैंसों को ये बांधेंगे गंडे, हमारी साइड इसको गंडा बोलते हैं, मतलब भैंसों का भी पूजन करेंगे। तो देख लो भैंसों को गोबर भी, गोबर की पूजा हो रही है और इसके अलावा भैंसों की पूजा तो होगी। इसके अलावा हमने बनाया इसके लिए बाजरे का लड्डू, ये देखो ये, तो इसकी पूजा बाजरे के लड्डू से ही होती है क्योंकि इसका भोग वगैरह है। बाकी तो हमारे यहाँ कैसे गोवर्धन पूजते हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ ब्लॉग में, अभी ज्यादा बोर ना करते हो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम बना रहे भाई गोबर से, और ये हमारा दो दिन का भैंसों का इकट्ठा हो गोबर है जिससे हम गोवर्धन बना रहे, जिसकी कि हम लोग पूजा करते हैं। तो गोवर्धन कुछ इस तरीके से बनाते हैं, दिखाता हूँ आपको सारा। तो ये बन के हो चुका है भाई रेडी एकदम टनाटन। तो ये है गोवर्धन, उसके जस्ट साइड में राइट हैंड के नीचे रखा हुआ है इसका बच्चा। तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं गोवर्धन पूजा, दीपावली से दिन से लेके गोवर्धन पूजा होने तक घर में छाछ वगैरह नहीं करते, तो सारा दही रखा हुआ है स्टॉक करके। अब इस दही का भोग लगाएंगे, उसके बाद कल इसकी छाछ करेंगे। डरपा दियो यार, तो हो चुका भाई गोवर्धन रेडी। तो ये दही लगाएंगे 20 उसके सीने में, ये लो ठोक दी सीने में रोक दी भाई रही रही के अलावा कहाँ का पेड़ कर लो। अरे यार ये जेल डाल निकाले 80 रहे ऊपर लेने पड़े। तो कुछ इस तरीके के भोग लगाते हैं भाई हमारे साइड, बाजरे के लड्डू दूध वगैरह वगैरह सब कुछ मिला मिलू के। ये रख दिया भाई दही सीने के जस्ट साइड में। इसके अलावा इसके साथ में रखेंगे हम लोग क्या क्या, देखो दिखाता हूँ। ये है दूध की घंटी, क्योंकि दूध भी साथ में रखते हैं। तो ये दूध दही और थोड़ा सा शायद घी भी रखते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल दूध और घी से काम चल रहा है भाई, वो दूध दही से। तो पूरी की पूरी फैमिली इकट्ठी हो चुकी है, मेरे कज़न ब्रदर्स एंड ब्रदर्स और सारी फैमिली एक साथ है। तो अभी सब इसकी परिक्रमा लगाएंगे, तो वो दिखाता हूँ किस तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले तो भोग वगैरह लगाते हैं, उसके बाद परिक्रमा लगाते हैं, और रास्ते में बोइंग तो जाएंगे भाई जौ। जौ तो आप सभी जानते ही होंगे, जो बंदे जानते हो कमेंट करके बताओ। तो इसकी चारों तरफ पटकते जाएंगे ताकि उग सके, और हम शुरू करते हैं भाई ये घूमटा फिट्टा। ले जॉन ने तो पकड़ा यार, बाप में थैली वाली में बोलो गोवर्धन महाराज की जय। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। बोल बंसी वाले की जय। बोल मदन मोहन बंसी वाले की जय। बोल पोंछड़ी के लोठा की जय। होगी साथ सात पर कम होगा नहीं, जल्दी होगी यार। तेल है तेल लगाए, भाई ने लूटा है, मन ही नहीं कर रहा हूँ झुकवे को यार मैं तो सोचा ही लूटने और पड़ गया। हाँ पहले लूटे को मारे और फिर जावे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है यार यहाँ कोड भी है यार, उठा ले कोई से यार। पीवा के दही दही से कीड़ा लगते बता, कल राम के बट में आगो ले आओ जय हो। पियो 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 पियो। तो हो गई है हमारी गोवर्धन पूजा ऑल एंड कंप्लीट। तो ऐसा था कि प्रसाद के लिए दही दूध वगैरह गोवर्धन के ऊपर जो रखा गया ना, इसको लूटने के लिए लोग गिरते थे पहले, चार गोबर में हाथ चला जा रहा था, कुछ भी होता था लेकिन लूटते थे। अब कोई शौक रहा नहीं उस तरीके के लोगों में, वो तरीके चीज़ है। बाकी खैर कंप्लीट हो चुकी है पूजा पाठ सब कुछ, अब भैंसन को बनाएंगे गंडा, बोले तो तावीज़,
बांध दिएगा, बांध दिए। अरे पता नहीं चला तो ऑल कंप्लीट हो गया भाई, दिखाई नहीं पाया था, मैं सब ताबीज बांधते थे। हमने कहा बांधा तो तुमने बांध दियो, और मुंडे को चौंक तुम बहुत। सही बात, सही बात है, मुंडे को नहीं आ रहा। अपन जो करते हैं नेचुरल करते हैं भाई, ये अपनी ब्लॉगिंग की खासियत है। मैं दिखावे के लिए कभी कुछ नहीं करता, जो होता है वही दिखाता हूँ, जो नहीं होता उसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसा था कि यार दिन में घटना तो कुछ ऐसी हुई कि जो अभी के आज के दिन में नहीं सुना सकता, क्योंकि त्यौहार का टाइम है और मैं नहीं चाहता त्यौहार के टाइम कोई उल्टी सीधी चीज़, उल्टी सीधी बात आपके दिमाग में पढ़ाई दे। तो त्यौहार जब खत्म होंगे, त्यौहारों से रिलेटेड काफ़ी सारी बात मुझे भी करनी, एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। तो अभी के लिए वीडियो, जो बंदे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पुराने बंदे वीडियो को लाइक करके एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, जय जोहार।